वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आईआईटी रोपड़ की नई अपडेट आप सबको हमने टेलीग्राम के थ्रू बताई। एग्जाम डेट आपकी आउट हो चुकी है। कौन कौन सी पोस्टें हैं, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने साइट पे नहीं देखा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं देखा है, तो वीडियो के थ्रू आपको पता लगेगा। बाकी वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने आईआईटी रोपड़ के नॉन टीचिंग पोस्ट में से अप्लाई किया है और उसको कॉल लेटर के रिगार्डिंग ईमेल रिसीव नहीं हुई है, तो वो क्या कर सकते हैं? कौन कौन सी ऐसी पोस्टें हैं जिनकी एग्जाम अब शेड्यूल्ड हैं, बहुत कम टाइम में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें, इस टॉपिक पे भी आपकी बात करेंगे। तो आईआईटी रोपड़ की नई अपडेट की बात स्टार्ट करते हैं। 4 तारीख को नोटिस आता है आपका, टेलीग्राम चैनल पर हमने अपडेट किया आप सबको कि एग्जाम आपका होगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअली भी कैंडिडेट्स के पास गई, किसके थ्रू? ईमेल के थ्रू। तभी आप में से एक एस्पिरेंट ने टेलीग्राम पर हमें मैसेज किया कि एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। किसी बच्चे ने यूट्यूब पोस्ट में कमेंट किया कि एग्जाम डेट अवेलेबल है, तो आपको एग्जाम डेट के बारे में बताया गया। तो ये सारी पोस्टें हैं। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, ये आपका 14 तारीख को होगा एग्जाम, और एक जूनियर असिस्टेंट आपका 16 तारीख को होगा एग्जाम, ठीक है? बाकी फिजिकल इंस्ट्रक्टर, हॉस्पिटैलिटी सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, ये सारी पोस्टों का आपके सामने शेड्यूल्ड है। तो 14 तारीख को जूनियर असिस्टेंट यानी क्लर्क अकाउंट्स वाले बच्चे 8:30 पे रिपोर्ट करेंगे आईआईटी रोपड़ के कैंपस के अंदर, और जो जूनियर असिस्टेंट बेसिक वाले हैं वो 16 तारीख को रिपोर्ट करेंगे सुबह 8 बजे। बाकी अगर आप देख पाओगे 1:30 बजे जाना है हॉस्पिटैलिटी सुपरवाइजर और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल को। तो ये नोटिस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, रोपड़ की साइट पे आप जाके देख सकते हो आईआईटी रोपड़। मेन बात ये है, किसी कैंडिडेट ने अप्लाई तो किया लेकिन उसको कॉल लेटर रिसीव नहीं हुआ किसी ईमेल के थ्रू, तो उसने करना क्या है? उसने इंस्टीट्यूट को मेल करना है 9 तारीख तक, ठीक है? तो आज आपको पता है वीडियो जो बनाई जा रही है वो 7th को बनाई गई है, तो आपके पास अभी भी अगर नहीं पता लगा है तो वीडियो के थ्रू आप देख के आपने क्या करना है, recruitment@iitrpr दैट इज ropad.ac.in इस मेल आईडी पर ईमेल करना है। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? सब्जेक्ट में लिखोगे नॉन रिसीप्ट ऑफ कॉल लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ, और उसके आगे जो ये डैश है ना, ये खाली है, इस पे अपना पोस्ट का नाम लिख दोगे जो भी है आपका, ठीक है? अगर आपका जूनियर असिस्टेंट है तो आप जूनियर असिस्टेंट मेंशन करोगे, जे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है तो आप वो मेंशन करोगे, ठीक है? तो होपफुली ये बात आपको पता लग गई होगी कि आपने कैसे करना है अगर कॉल लेटर आपको ईमेल पे रिसीव नहीं हुआ है। तो कॉल लेटर के रिगार्डिंग वैसे क्या है, बेसिकली बच्चों के जो मेल रिसीव हुए हैं, आपका जो एक फॉर्मेट है, ब्लैंक फॉर्मेट है एक तरह से, लेकिन फॉर्मेट से पहले मेल आईडी में आपको रोल नंबर मेंशन्ड है और साथ में आपका एप्लीकेशन नंबर या डेट जो भी एक दो चीज वो मेंशन्ड है, उसके हिसाब से आपने क्या करना है, उस फॉर्मेट को फिल करके लेके जाना है, वही आपका एडमिट कार्ड होगा। तो ऐसा एडमिट कार्ड नहीं है, वो डिजिटली नहीं भेजा है, फॉर्मेट है, बस रोल नंबर आपको उनके थ्रू बताया जाएगा और उसको आपको फिल करके लेके जाना है अपनी बेसिक डिटेल्स के साथ में, ठीक है? अब बात कर लेते हैं क्या आपको कुछ टीए डीए दिया जाएगा एग्जाम देने का। तो देखो टीए डीए आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन दिया जाएगा कहां पे दिया जाएगा, वो दिया जाएगा जब आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी मान लो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया, टाइपिंग टेस्ट के लिए, किसी और स्किल टेस्ट के लिए, तो आपको सेकेंड क्लास जो एसी का है फेयर मिल जाएगा रेलवे का। जो कंडीशंस है ना वो यही है कि आईआरसीटीसी की ऐप से या वेबसाइट से ही बुकिंग होनी चाहिए, लेकिन ये एक सेकंड चीज है, अभी इस चीज का कोई लेना देना नहीं है, ये आपका रिटन एग्जाम के बाद की बातें हैं, ठीक है? वैसे आईआईटी रोपड़ आपका टीए देता है लेकिन स्किल टेस्ट का देता है, क्लियर होगी बातें? अब आ जाती है सिलेबस की बात, हम तो बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की और जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की, ठीक है बच्चों? आप एक बार चेक करना, शायद सिलेबस की वीडियो में मैंने आपको बताया इन दोनों का सिलेबस एज इट इज था, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई चेंजेस है, सिलेबस अवेलेबल है, दोबारा से हम उसको रिवर्ट करेंगे टेलीग्राम चैनल में, अगेन आपको अवेलेबल मिलेगा वो। बेसिक सारे पॉइंट्स यही है, मैथ्स के देख लेना, इंग्लिश के देख लेना, करंट अफेयर के देख लेना, रीजनिंग के देख लेना और कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस की जितनी भी वीडियो है आप हमारे चैनल पर जाके रीड आउट करो, बड़े काम की रहेंगी आपकी, ठीक है?
मैथमेटिक्स की जो भी एक दो वीडियो हम अभी तक अवेलेबल करा पाए हैं, तीन दो तीन वीडियो हम जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एग्जाम से हैं, तो आप अभी तक उन्हें ही देख पाओगे। बाकी कंप्यूटर का जो सेक्शन है ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। इंग्लिश की भी हमारी एक दो जो वीडियो हैं, ईडियम्स फ्रेजेस वाली, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली, ये आप जरूर देखना, आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। बाकी करंट अफेयर के लिए क्या करेंगे आपने कमेंट करके बताना है। करंट अफेयर के जो अभी भी हम है आपको मैराथन क्लास अवेलेबल करा सकते हैं, ठीक है? तो ये आप कंसेंट करके बताना, कमेंट में करके बताओ कि कितने बच्चे हैं जो मैराथन क्लास के लिए अवेलेबल हैं, कि करंट अफेयर का सेक्शन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो लगता है वो आपको एक बार करा दिया जाएगा, ठीक है? बाकी आप अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से अपने बुक के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। सिलेबस है बेसिकली कोई ज्यादा टफ पेपर नहीं होता है, ठीक है? जूनियर असिस्टेंट का वैसे जो प्रीवियस ईयर का पेपर है जूनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का, थोड़ा सा सिलेबस का देख लेना, डिफरेंस रहा होगा जरूर, क्योंकि लास्ट टाइम तो जूनियर असिस्टेंट अकाउंट में है GFR और जो आपके CCS के कुछ रूल्स टाइप ये सारी भी चीजें थी, लेकिन इस बार ऐसा एज सच कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको हम टेलीग्राम चैनल पर ये प्रीवियस ईयर के पेपर अवेलेबल कराएंगे। बाकी थोड़ी सी एक वीडियो आप देखोगे हमारे जनरल अवेयरनेस के, किस तरह के इंग्लिश के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, तो रोपड़ वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों? अब बेसिकली और क्या बातें करनी है, और बातें यही करनी है आप सबसे, एग्जाम का टाइम कम है, ठीक है? तो कंप्यूटर के क्लासेस आप हमारे चैनल पर जरूर देख कर जाना, कंप्यूटर क्लासेस आपके काम आएंगे। बाकी आप कंसेंट करके बताओगे तो करंट अफेयर्स का एक जो है मैराथन सेशन आपके लिए हम लेके आ जाएंगे, जिसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है? यही इन्फॉर्मेशन थी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं, नेटर SO की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो अभी IIT रोपड़ वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने जूनियर सुपरिंटेंडेंट के लिए अप्लाई किया है उनके एग्जाम की डेटा भी आपके सामने नहीं आई है, तो आपके लिए टाइम है, चैनल पर जाके आप देख सकते हो किस तरह से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। नई इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे, इसी टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहेगी, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। बाकी कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है कि करंट अफेयर का मैराथन सेशन बच्चों को चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।